नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोड़िया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और साथ में ही स्टार्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियों के आने का सिलसिला। लगातार दोस्तों एक के बाद एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां आ रही हैं और अभी कुछ ही समय के बाद दोस्तों आपको देखना MPPSC का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों हाल ही की बात करें तो MPITITO की है, पैरामेडिकल ग्रुप 5 की है, ठीक है, मध्य रक्षक, पटवारी और आबकारी आरक्षक, ठीक है, जेल प्रहरी, ठीक है, और इसके साथ दोस्तों पटवारी के साथ और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं अलग अलग पदों पे, ठीक है। तो कहा जाए दोस्तों तो प्रकार से कि वैकेंसियों का एक पहाड़ या अंबार सा लग चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, स्पेशली हमारा विषय रहता है हमेशा MP फॉरेस्ट गार्ड को लेके, ठीक है। तो MP फॉरेस्ट गार्ड के जो भी स्टूडेंट दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड या मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपको MP फॉरेस्ट गार्ड बनना है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में वन रक्षक के 1772 पद आए हैं। 1772 पद में दोस्तों आपको उन्होंने 10% भूतपूर्व सैनिक को दे दिया, 20% होमगार्ड को दे दिया है ना, और 30% किसको दिया है, 30% दे दिया आपके संविदा कर्मी को। उसके बाद दोस्तों मात्र 702 पद बच रहे हैं अभी की हाल की स्थिति में, ठीक है। और आप ये गलत फहमी में मत रहना दोस्तों कि वन रक्षक की पोस्ट बढ़ जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। यदि बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ना होगा तो मेरे को तो लग रहा दोस्तों कि चांस बहुत ही कम है कि MP फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसियां बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी, अभी जितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, उसी के हिसाब से दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और ये सोच लो कि हमें इतनी ही वैकेंसी में क्या करना है, अपना सिलेक्शन लेना है। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको सिर्फ पढ़ाई और मेहनत नहीं करना है, पढ़ाई और मेहनत के साथ साथ दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत आप नहीं करोगे दोस्तों तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज के समय में दोस्तों हर कोई पढ़ रहा है, हर बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है, पेड कोर्स से मान के चलिए दोस्तों आप किसी नामी गिनामी कोचिंग का पेड कोर्स भी लेते हो तो उसी कोचिंग का पेड कोर्स कितने लोग लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपने एक इंस्टीट्यूट का कह लिए पेड कोर्स लिए तो उसी इंस्टीट्यूट के दोस्तों कम से कम 2000-3000 कोर्स बीत जाते हैं। तो मतलब आप एक पेड कोर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक पेड कोर्स के भरोसे बैठे रहोगे तो आपने जो पढ़ा दोस्तों बाकी 2000 स्टूडेंट भी तो पढ़ रहे हैं। खैर वो बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट उतना भी नहीं पढ़ पाते और कुछ पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यदि दोस्तों 2000 ने लिए तो 700 तो पढ़ेंगे, और यदि 700 ही पढ़े दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों छोटे से छोटे टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश हो तो दोस्तों 60 नोट्स बनाते चलो, एग्जाम के पहले 5-10 दिन पहले आपको रिवाइज करने में उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आप फिजिकल की टेंशन बिल्कुल मत लो, मेडिकल की टेंशन मत लो, MP फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल मेडिकल की टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। 24 किलोमीटर पैदल चाल रहती है, आसानी से हो जाती है, ठीक है। यदि आप बहुत ही ज्यादा अलाल प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन वो आप एग्जाम होने के बाद भी कर सकते हो, ठीक। एग्जाम होने के बाद आपको काफी दिन मिल जाता है रिजल्ट आते तक, ठीक है, तो आप वहां भी इसको कर लोगे, है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मुख्य रूप से कि MP फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद क्या काम करना पड़ता है, ठीक। तो अभी आप बन जाओ भाई, है ना। मैं आप सबको, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या काम करना पड़ता है, कि रात में गश्ती करनी पड़ती है, तो दोस्तों मैं आपको सब चीज बताऊंगा, लेकिन पहले आपका लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हमें MP फॉरेस्ट गार्ड बनना है। देखिए दोस्तों मैं MP GK पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, MP साइंस और आपका साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, NCERT बेस्ड, ठीक है। वो कोशिश करिए कि वो वीडियो भी आप मेरे देखिए, ठीक है, आपको निश्चित तौर पर उससे सहायता मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करूंगा, और मैथ्स दोस्तों मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए लेकर आऊंगा जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मेरी बेसिक बहुत कमजोर है मैथ्स की, तो आप मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास लाऊंगा, और मैथ्स आप मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, MP फॉरेस्ट गार्ड के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और MP GK और साइंस ये दो सब्जेक्ट जो है दोस्तों मैं दिसंबर में लगभग लगभग इतना करवा दूंगा कि आपको फिर दोस्तों बाकी जगह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपका सिलेबस दोस्तों मैं दिसंबर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, MP GK का और आपके साइंस का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैथ्स पढ़ेंगे हम तगड़े से, ठीक है, इसके बाद इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब पांचों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे नहीं बैठे रहना है भाई, आप बुक से भी पढ़िए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़िए, YouTube में जहां से भी आपको कोई मटेरियल मिलता है वहां से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम आगे आगे पढ़ते जाए और पीछे सनसपाट होता जाए, बार बार उस कंटेंट के शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज भी करते चलो, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है स्ट्रेटेजी ये है दोस्तों कि सिलेबस है, सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ और पढ़ते रहो बस, इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे आपके लिए उतने अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स की रही बात, मैंने आपको जीके के लिए बता दिया दोस्तों कि एमपी जीके ही आएगा, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, यदि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में दोस्तों एमपी जीके नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, यदि एमपी जीके नहीं पूछेगा तो ये तो फिर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा ना, इसलिए एमपी जीके ही आता है, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 में जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसमें दोस्तों एमपी जीके ही आता है और उसमें दोस्तों जीके के 20 प्रश्न में से 17 प्रश्न एमपी जीके से आते हैं और 3 प्रश्न कहां से आते हैं, करंट अफेयर से, वो भी एमपी के ही करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों एमपी का जीके स्टैटिक और एमपी का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी एक दो क्वेश्चन आपको इंडिया जीके के भी देखने को मिल जाते हैं लेकिन उनके आने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा ही दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैंने आपका मोटिवेशन बढ़ा दिया तो आप भी मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, ठीक है। और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।